यूपी के बरेली से आ रही है इस वक्त एक बड़ी खबर। जोरदार हंगामा बरेली में, तौकीर रजा की गिरफ्तारी अभियान में हंगामा। हल्द्वानी में एक्शन के बाद तौकीर का भड़काऊ स्टेटमेंट, हमला करने वालों को जान से मार देंगे, मुझ पर यूएपीए लगा सकती है सरकार। तौकीर रजा का बयान, क्या खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? तौकीर रजा, हल्द्वानी में एक्शन, तौकीर का भड़काऊ स्टेटमेंट। तौकीर ऐसी बयानबाजी देकर क्या लोगों को उकसाने का काम नहीं कर रहे हैं? तौकीर पर यूएपीए लगा सकती है सरकार, खुद ये बात वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि मुझ पर सरकार लगा सकती है यूएपीए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर यूपी के बरेली की, जहां पर जोरदार हंगामा, तौकीर रजा के गिरफ्तारी अभियान में हंगामा, हल्द्वानी में एक्शन के बाद तौकीर का भड़काऊ स्टेटमेंट, हमला करने वालों को जान से मार देंगे, और इसी के बाद में गिरफ्तारी, जिसका अभियान लगातार चला गिरफ्तारी अभियान, और वहां पर देखिए जमकर हो रहा बवाल। ये तस्वीर है बरेली से, तौकीर रजा कह रहे कि मुझ पर यूएपीए लगा सकती है सरकार। तो ये तस्वीरें सीधे बरेली से इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं, तौकीर पर यूएपीए लगा सकती है सरकार। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, कितनी भारी तादाद में वहां पर भीड़ मौजूद है, और यहां पर पुलिस लगातार जो है वो मोर्चा संभाले हुए है, और जो भीड़ है उसको रोका जा रहा है। गिरफ्तारी तौकीर रजा की, तो गिरफ्तारी अभियान, और इसी अभियान के दौरान में जबरदस्त हंगामा। तौकीर रजा की गिरफ्तारी अभियान में जोरदार हंगामा, हल्द्वानी में एक्शन के बाद तौकीर ने दिया भड़काऊ बयान, और भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि हमला करने वालों को जान से मार देंगे। देखिए बरेली से आप तस्वीरें देख रहे हैं, तौकीर रजा ने जो बयान दिया, भड़काऊ बयान, उसके बाद गिरफ्तारी अभियान में जो भीड़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो परेशानी को बढ़ाने का काम कर रही है। हल्द्वानी में एक्शन, और इस बीच तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली से आप देख रहे हैं। और तौकीर रजा ऐसी सिचुएशन में लोगों को और भड़काने का काम कर रहे हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि जान से मार देंगे हमला करने वालों को, ना देश के कानून का ख्याल, ना देश की व्यवस्था का ख्याल, सबसे ऊपर खुद को मानते हैं क्या तौकीर रजा? हालांकि मौके पर पुलिस पूरे बल के साथ में इस वक्त वहां मौजूद है, और लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। ये बरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर तौकीर रजा की गिरफ्तारी अभियान में हंगामा शुरू हो गया, लोगों की भारी भीड़ वहाँ पर इस वक्त मौजूद है जो नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है, और पुलिस इस भीड़ को वहाँ से हटाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली से, तौकीर रजा बार बार ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तौकीर रजा के बयान के बाद बरेली में इस वक्त हाई अलर्ट, बरेली से लेकर उत्तराखंड तक चौकसी बढ़ा दी गई है। मौलाना तौकीर के ऐलान पर अलर्ट है बीजेपी, देखिए मौजूदा सरकार बीजेपी की वहां पर है, और ऐसे में बरेली में 6 एएसपी 12 सीओ ने कमान संभाल ली है, क्योंकि देखिए यूपी की बात करते हैं तो व्यवस्था ऐसी कि किसी को भी माहौल खराब करने नहीं दिया जाता। ऐसे में तुरंत से एक्शन मोड में आए पुलिस। आईएमसी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, और इसी के मद्देनजर इस्लामी मैदान को सील कर दिया गया। 1400 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। सुबह से एएसपी 12 सीओ ने सुरक्षा की कमान को भी संभाला, और अयाज मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हैं फोन लाइन पर। अयाज, अभी क्या सिचुएशन वहां पर है? तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है? मौके पे यहाँ जो देखा जा रहा है, माहौल बहुत गरमाया हुआ है। यहाँ पे मौलाना अलग अपील कर रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद, जिलाध्यक्ष का उनका जो है उसके घर बैठे हुए हैं, घेर दिया है, निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इस्लामिया ग्राउंड को सील कर दिया है। तो पब्लिक है जो समर्थक है उनके, वो लोग बाहर हैं, चौराहे हैं, वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं मौलाना के समर्थन में। और जिस तरीके से मौलाना ने कहा था कि जैन बापी ये मस्जिद है, और भी मस्जिद है जिन पे इस तरीके से हमला हो रहा है उसको लेकर के, लेकिन मौलाना ने कही थी, अब उसको मौलाना को पुलिस ने जिस तरीके से वहां अंदर आउट कहे उन्हें कर लिया गया है, लेकिन उनके जो समर्थक है बाहर चौराहे पे पुलिस ने उन्हें यहाँ तक नहीं आने देना चाहिए जहाँ तक पुलिस समर्थक पहुंच गए हैं। और दूसरी तरीके से नारेबाजी हो रही है, पुलिस ने सील दिया है, अभी तक कंट्रोल में है, इसकी पूरी तरीके कंट्रोल में है, कोई ऐसी संभावना नहीं है, चारों तरफ से घेरे हुए है, माहौल खराब नहीं होने दे रहा है।
अधिकारियों के दरबार में एडीजी आईजी कमिश्नर क्षेत्र का जायजा लिया है। मौके पर गए हैं ऑफिस में, आसपास में यहाँ पे तुरंत जो भी घटनाएं हो रही है नजर बनाए हुए हैं। अभी देखना होगा मौलाना किस वक्त निकलते हैं या नहीं, या पुलिस वहीं उन्हें हाथ अरेस्ट करी रहती है। लेकिन तौकीर रज़ा ने पहले जुमे की नमाज के बाद खुद गिरफ्तारी का ऐलान किया। इस्लामी मैदान में सुरक्षा को देखते हुए भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। फिर अब तौकीर रज़ा क्या चाहते हैं, क्या निकल कर आ रही है बात? अभी ये कहते हैं मैं बाहर जाकर गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन उन्हें रुकने नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनके समर्थक बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। अभी किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होने जा रही है ना तौकीरा की तरफ से, ना सिर्फ जहाँ पे इकट्ठा है उनके उनके घर के बाहर मस्जिद के सामने लोग इकट्ठा है, वही नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखिए तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, और क्या तौकीर रज़ा बाहर आए, तौकीर रज़ा बाहर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑन 1224। तौकीर रज़ा बाहर आ गए हैं, पुलिस वहां पर इस वक्त मौजूद है, समर्थकों का जमावड़ा इस वक्त वहां पर लगा हुआ है। पहले ये तस्वीर सामने आ रही थी कि अभी न जाने कब वो निकल कर बाहर आएंगे, लेकिन फिलहाल तौकीर रज़ा घर से बाहर निकल आए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।